अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन, और लाइफ में ज़रूर अच्छा जा रहा होगा। एक ज़रूरी मैसेज, एक ऐसा मैसेज, वैसे तो मैसेज देने को बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा मैसेज जो इन दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बेहतरीन तो बेहतरीन आप डिसाइड कीजिएगा भाई, मैं बेहतरीन नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा ज़रूरी है। आपको पता है सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, और सर्दियाँ जाहिर सी बात है हर वक्त होती है, हर जगह होती है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर्दी में, कोई दिन में कोई रात में, लेकिन दिन में तो चलो थोड़ी बहुत गर्मी मिली जाती है जब आप आउटिंग पे होते हो, या आप आपकी बॉडी बिल्कुल सर्कुलेशन में होती है, आप भाग रहे, दौड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक क्या हुआ, आपको तो पता है इस गैस की क्या सूरत हाल होती है अक्सर हमारे यहाँ पे। हुआ ये कि एक दफ़ा रात को, अभी नहीं, 2 4 रात पहले, आई थिंक जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, आपको याद होगा, जाहिर सी बात है। हमने ऑर्डर दिया, चलो यार रात को कुछ बाहर से खा लेते हैं। ऑर्डर दिया, अब जाहिर सी बात है खुद उतरने की तो बाज़ों का हिम्मत नहीं होती है। ऑर्डर लेकर आया बंदा, अब कौन सी खाने की कंपनी आपको पता है, वरना फ्री में प्रमोशन हो जाएगी जो मैंने करनी नहीं है। खैर, ये मैसेज के लिए ही मैंने आपके बात की नहीं थी, तो अब मैसेज कंटिन्यू करते हैं। हुआ ये कि अल्लाह करना ये हुआ कि मैंने उसको देखा तो यार उस बंदे ने तो जैकेट नहीं पहना हुआ। मैंने पूछा यार, जब उसने खाना डिलीवर किया, मैंने जैकेट तो पहना, कहता भाई उसी के पैसे जोड़ रहा हूँ, पिछले साल की फट गई। तो रात को कोई 1:30 बज रहा था यार, सर्दी बहुत 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 ज़्यादा होती है यार। उस वक्त मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे उस वक्त शायद इतना लेट ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। ये मतलब इसलिए एहसास था कि यार वो तो काम कर रहे हैं, वो तो पूरी रात काम करेंगे, वो तो गर्मी में भी पूरी रात करते हैं और सर्दी में भी पूरी रात करते हैं, जो मतलब रात के राइडर्स होते हैं। तो बड़ा यार मुझे अजीब फील हुआ यार, इतनी ठंड में, इतनी तकलीफ़ में वो यार खाना लेके इधर, मुझे पता है उनका काम है यार, उनको ये सहना पड़ेगा, लेकिन सहने का मतलब ये नहीं है कि यार उसको आप, भाई जो आपसे हो सके उनकी हेल्प इस ज़ुमरे में नहीं कि आप उसको ज़कात खैरात पकड़ा दें, नहीं, उसकी मेहनत के पैसे। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से मंगवा रहे होते हैं, भाई कुछ कैश भी रखो यार, कैश दो, उनको भी हिम्मत हो कि नहीं यार हमें और काम करना चाहिए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उनकी हौसला अफजाई करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ ऐसे बेशरम भी मैंने, मतलब क्या बोलूँ यार, सुने यार, टकराए भी हैं, मतलब बेशरम उस ज़ुमरे में नहीं, गाली के ज़ुमरे में, बेशरम एहसास के ज़ुमरे में कह रहा हूँ, अबे भाई खुले पैसे रख लो, वो रात को लेट नाइट आप जब मंगवाओगे, हर किसी के पास इतना खुला मौजूद नहीं होता, फिर वो कभी इधर शॉप पे भाग रहे हैं, कभी इतने शॉप पे भाग रहे हैं, फिर कभी बाद में पैसे, यार बहुत दुख होता है मुझे। इंसानियत शायद आपको कम नज़र आए लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती यार, एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है यार। कितनी दफ़ा इनमें बुज़ुर्ग भी हैं, इनमें यंग लड़के हैं यार, कि दिन को पढ़ रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं यार। ऐसे जो लोग होते हैं ना, मेरे लिए बड़ा हौसला अफजाई का सबब बनते हैं यार। मैं जो जब मैं जॉब पे नहीं था तो मुझे बड़ा देख के लगता था कि नहीं यार, फिर मैं ख़ुद को मतलब नहीं हो सकता, फिर मैं खुद को बोलता था नहीं यार काम सही हो जाएगा, इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और जब कोई ऐसी जॉब बंदा कर रहा होता है ना जिसमें वो कम खुश या कभी कभी खुश नहीं भी होता, फिर वो ऐसे लोगों को देखा करे कि ये लोग यार कितने मुश्किल से अपना घर चला रहे होते हैं रोज़गार के उसूल में। इनमें कभी कभी पहले ये भी खबर निकली थी कि बहुत से बुरे लोग भी बीच में आ गए थे, सरगर्म हो गए थे, लेकिन यार एक दो की वजह से ना सबको जज ना करें, वक्त पे या वक्त के बाद में खाना ला रहे हैं, कभी कभी इनको एड्रेस नहीं पता होता, कभी लेट आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं यार। देखो हुस्न अखलाक ना सबके साथ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप इनके साथ भी करें। ये जो मेहनत का तबका होता है ना यार, ये बस यार ये एक अलग ही क्राइटेरिया में जीता है, इनको किसी से साहूकार नहीं होता है, ये नहीं जानते कौन आ रहा है, मुल्क के हालात क्या है, मुल्क के हालात क्या नहीं है, इनको बस इतना देखना होता है कि इनका घर कैसे चलना है। ज़िम्मेदारी वक्त से पहले बड़ा कर देती है बहुत से लोगों को, और बहुत सारे वक्त से पहले बड़े हो भी जाते हैं। मुझे यकीन है मेरी ये बात आप सुनेंगे, समझेंगे, और अगर कोई आपको सजेशन देनी हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, क्या बात सुनना चाहते हैं। मैं तो भाई सही बात है, जो मैंने फ़ील किया मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। अगर बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक, कमेंट, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब्दुल वालिस को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट का, आपकी बहुत सारी अपनाइयत का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।